Hey, what's up viewers? Welcome back to the channel with another blog. तो गाइस आज का ब्लॉग जो टेक्निकल ब्लॉग होने वाला है और इसमें मैंने एक पिकनिक सेटअप के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और आपने टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज मैं पिकनिक सेटअप छोटा सा पिकनिक सेटअप के लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मैंने दो टॉप लगाए हैं जो कि वन टॉप इक्वल टू 700 वॉट का आउटपुट देता है, यानी कि दोनों मिला के 1400 आउटपुट है और जिसको मैंने कनेक्ट किया है जो मेरा स्ट्रेंजर का MCA 516 जो कि 500 वॉट का है। गाइस यहाँ पर थोड़ा जो आउटपुट और इन आउटपुट का जो मिसमैच है आप उस पर ध्यान नज़रअंदाज कर दीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जनरेटर जो जिससे हम लोग चला रहे हैं जो कि 1 KVA का जनरेटर है जिसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा गाइस। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो MCA 516 है गाइस इससे करीबन ये दोनों टॉप चला सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंजर का है तो गाइस इसका काफ़ी बढ़िया आउटपुट क्वालिटी इसीलिए मैं चला रहा हूँ, नहीं तो हम लोग जब दूसरा प्रोग्राम करते हैं तो उसको दूसरे मशीन से चलाते हैं गाइस। तो ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा पिकनिक का सेटअप है। अगर आप लोग जैसे कि अभी विंटर का सीज़न आ गया है तो जनवरी का सीज़न आ गया है तो पिकनिक के लिए काफ़ी फेमस होते हैं। तो गाइस अभी पिकनिक का सीज़न आ रहा है तो इसीलिए मैं ये छोटा सा सेटअप आप लोग के लिए दिखा रहा हूँ और जहाँ पर मैंने लगाया है A+ का दो टॉप जो कि 700 आउटपुट देगा मैक्सिमम वन, जो एक टॉप बराबर 700 वॉट है और दूसरी टॉप बराबर 700 वॉट यानी कि टोटल मिला के 1400 वॉट जो कि मैं चला रहा हूँ स्ट्रेंजर के 516 जो MCA 516 है जो मेरा स्ट्रेंजर का मशीन है उससे मैं चला रहा हूँ गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और मैं दिखाऊंगा आपको कनेक्शन वगैरह कैसा है इसका। और ये जो सेटअप है ये स्पेशली पिकनिक के लिए सेटअप है, आप पिकनिक के लिए सेटअप है गाइस तो इससे भी आप चला सकते हैं। वैसे तो हम लोग पिकनिक में जाते समय दो टॉप और दो लो यूज करते हैं और बड़ा वाला जो 5 KVA का जनरेटर यूज करते हैं लेकिन आज का रिक्वायरमेंट यही था तो इसीलिए हम लोग यही चलाएं। तो देखते हैं मैंने कैसे कैसे कनेक्शन करके रखा है। तो गाइस ये जो इनपुट के लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये मैंने जनरेटर यूज किया हूँ जो कि स्लोग कंपनी का है और ये 1 KVA का जनरेटर है जो मैक्सिमम 800 वॉट आउटपुट दे देगा गाइस। और उसको मैंने कनेक्ट किया है एक एक्सटेंशन कट के थ्रू और यहाँ पे जो है ये जो कर्ड है ये एम्पलीफायर का है और एम्पलीफायर ये रहा जो कि स्ट्रेंजर कंपनी का MCA 516 है और इसका काफ़ी बढ़िया आउटपुट देती है गाइस कि 1400 वॉट का दो डुअल टॉप मैं चला रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया इसका आउटपुट है। वैसे आउटपुट मैं ज़्यादा दे रहा हूँ फिर भी ये चलता है इसीलिए कॉन्फिडेंट में मैं दे रहा हूँ। तो गाइस इसमें आप लोग गलत मत समझिएगा, मुझे इसका पावर पता है इसीलिए मैं दे रहा हूँ, वैसे आप लोग को देना नहीं चाहिए। तो गाइस मैं फ़ोन से प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे लैपटॉप भी कनेक्ट किया हूँ, लैपटॉप मैं अभी बंद कर दिया हूँ। तो इसमें मैंने ऑक्स में डाला हूँ एक ऑक्सिन केबल और साथ में मैंने यहाँ पर कनेक्शन किया है, आप देख सकते हैं इस यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया है जो 2 ओम पे हमारे 4 स्पीकर से यानी कि दो टॉप है तो मैंने 2 ओम पे लगा दिया है जो कि एक स्पीकर की इम्पीडियंस जो है 8 ओम है तो इसीलिए मैंने 2 ओम पे लगा दिया है। और यहाँ पर बॉक्स को मैंने कनेक्ट किया है स्पीकॉन के थ्रू आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद में मैं इसका टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। तो गाइस आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले और साथ ही में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस और ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूंगा। तो गाइस अभी मेरा हमारा जनरेटर ऑन हो चुका है और साथ में हमारा एम्पलीफायर में आउटपुट भी दे चुके हैं हम लोग और तो टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ा सा इसका कैसा साउंड है। और आप लोग को अगर ये साउंड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले और चेक करते हैं इसका साउंड।
आपको ये साउंड कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। एक्चुअली हम लोग जैसे कि आपको पहले बताया मैंने स्टेंजर 500 वॉट का मशीन में आउटपुट दे दिया है 1400 वॉट, तो थोड़ा मिसमैच हो रहा है गाइस, फिर भी इसको नजरअंदाज करते हुए आप बताइए मुझे, कमेंट कीजिए कैसा साउंड लगा आपको। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।